तेरा जादू चल गया, तेरा जादू चल गया, तू मुझको मिल गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। क्या एक सिंगर के लिए ऊंचे रेंज का गाना गाना ही अच्छा होता है? दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जब भी मैं लाइव होता हूं, आपसे जब मैं लाइव बात करता हूं, या बहुत से कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आते हैं कि मेरे ऊंचे स्वर नहीं लग रहे हैं, मैं हाई रेंज के गाने नहीं गा पा रहा हूं, मेरे नोट्स हाई नोट्स नहीं लग पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। तो उसका जो जवाब मैं देता हूं कि आप मेरे वोकल रेंज बढ़ाने के एक्सरसाइज को करिए तो आपका रेंज बढ़ेगा। पर जो ये सवाल मुझसे करते हैं, जो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, उनके अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में एक ये भ्रम है कि अगर हम ऊंचे रेंज के गाने नहीं गा पा रहे हैं, ऊंचे स्केल के गाने नहीं गा पा रहे हैं, तो कहीं हम अच्छे सिंगर नहीं है क्या, कि हम खराब सिंगर है, ये प्रश्न उनके मन में रहता है, तभी वो ये सवाल करते हैं। तो पहले आइए दोस्तों समझते हैं कि एक अच्छा गाना क्या होता है। What is a good song and what is a good singing? एक अच्छी गायकी, एक अच्छा गाना क्या होता है? दोस्तों हमारे शास्त्रीय संगीत की भाषा में एक शब्द है आस, और हम आस शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं कि जब हमें कोई सॉन्ग या कोई भी म्यूजिक सुनने में मजा नहीं आता, तो हम कहते हैं कि अरे यार इस गाने में आस नहीं है। कोई सिंगर गा रहा है, अरे यार उस गाने में आस नहीं है। कोई इंस्ट्रूमेंट कोई बजा रहा है, तबला गिटार या कुछ भी, अरे यार उस गाने में आस नहीं है। आस, आस वो चीज है जिससे आपके गाने में जान आता है, गाना खिल उठता है। जब हम कहते हैं कि इस गाने में आस है, अरे बहुत अच्छा गा रहा है, इसकी गायकी में आस है, किसी कलाकार को जब हम ऐसे कहते हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि वो अच्छा गा रहा है, आस है मतलब खिल रहा है, जो जो भाव वो दे रहा है गाने में वो सही भाव दे रहा है, जिससे कि उस गाने में एक आस आ रही है। आस का मतलब आप समझ गए होंगे अभी जो मैंने बताया। आस मतलब जो भी म्यूजिक आप सुन रहे हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट प्लेंग है, कुछ भी हो, आस का सिर्फ ये मतलब हुआ कि वो गाना आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो एक सही स्केल में गाया जा रहा है या बजाया जा रहा है। तो एक अच्छा गाना वो होता है जिसमें आस हो। अब दोस्तों अब आते हैं हाई रेंज के गाने के बारे में। ये सच है कि हाई रेंज के गाने लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, बशर्ते उस गाने को सही तरीके से गाया गया हो, उस गाने को ऐसा न गाया गया हो कि इतना ज्यादा ऊंचा हो गया कि सिंगर की जान निकल जा रही उस गाने को गाने में, तब आपको सुनने में कतई मजा नहीं आएगा। दोस्तों आइए एक उदाहरण लेते हैं कि हाई रेंज का गाना कब अच्छा होता है। हाई रेंज का गाना तभी अच्छा होगा जब आप उसे परफेक्ट स्केल में गाएंगे, अपने गले के रेंज के कैपेसिटी के हिसाब से गाएंगे। जैसे कि मैं अभी एक सॉन्ग को अपने गले के रेंज के हिसाब से गा रहा हूं, फिर उसी सॉन्ग को मैं अपने गले के रेंज के बाहर से गाऊंगा ताकि आपको डिफरेंस पता चलेगा।
तेरा जादू चल गया। इस लाइन को मैंने उठाया, इसे मैं अभी अपने कंफर्टेबल स्केल में गा रहा हूं। अब इसी को मैं अगर एक नोट ऊंचा गाऊं तो देखिए क्या आपको दिखता है, कैसा आपको सुनाई देगा। स्केल चेंज है, हारमोनियम मेरे पास है तो मैं एक स्केल इसे ऊंचा कर देता हूं। तेरा जादू चल गया, यहां तक तो ठीक है। अब जब मैं वर्ड गाऊं तू मुझको देख रहे हैं कितना स्ट्रेच लगाना पड़ रहा है मुझे। तू मुझको सुर में गा रहा हूं पर काफी स्ट्रेस है, मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। गाना वही अच्छा होता है जो एफर्टलेस हो, जिसमें कम एफर्ट लगे, आराम से जो गाना हो जिसे आप आराम से गाए। संगीत वही है दोस्तों जो एफर्टलेस हो, आप इतना रियाज कर लो कि कुछ भी गाओ कुछ भी बजाओ आराम से बजे आराम से गाइए। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया इससे आप समझ गए होंगे कि हाई रेंज का गाना तभी अच्छा होता है जब उसे हम प्रॉपर स्केल में गाएं। और ये भी सच है कि ऊंचे रेंज के गाने लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, ये फैक्ट है एज फार एज आई नो। अब जो मेन प्रश्न है कि क्या जो संगीत जो नए सीखने वाले लोग हैं उनके मन में ज्यादा प्रश्न होता है, जो मेन प्रश्न है दोस्तों कि क्या ऊंचे रेंज के गाने ही अच्छे होते हैं गाने के लिए, उसका जो जवाब है मेरे हिसाब से नहीं। सिर्फ ऊंचे नहीं, आप जिस भी रेंज के गाने गाइए दोस्तों, आप बस ये देखिए कि उस गाने में आप आस दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अब देखिए मैं एक नीचे इसके लगाने गाऊंगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। कौन सा गाने को दोस्तों प्यार करना पड़ता है। सहलाना पड़ता है। पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने जाने न जाने गुल ही न जाने बात तो सारा जाने है पत्ता पत्ता हाल हमारा जाने है पत्ता पत्ता। तो दोस्तों ये एग्जांपल था जो कंफर्टेबल स्केल में मैं गा रहा हूं। तो गाना दोस्तों सारे गाने अच्छे होते हैं, बस आपको अपने गले के हिसाब से एक परफेक्ट स्केल में आपको गाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप ऑडिशन देने जाते हैं तो आप जो भी सॉन्ग चुने उस सॉन्ग का स्केल प्रॉपरली आप अपने गले के हिसाब से चुने तब जाके ऑडिशन दें। तो दोस्तों इस वीडियो का जो मकसद था वो ये बताना था कि गाने हर रेंज के अच्छे होते हैं। हाँ ऊंचे रेंज के गाने कुछ ज्यादा इम्प्रेसिव होते हैं, ऊंचे रेंज के गाने सब गायक गा भी नहीं पाते हैं। अगर आप गा पाते हैं अच्छे से तो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन आप अगर ऊंचे रेंज के गाने नहीं गा पाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक अच्छे सिंगर नहीं है। उदित जी को देखिए, आप स्वर्गीय जगजीत सिंह जी को देखिए, उनकी रेंज ज्यादातर सिंगरों की अपेक्षा कम थी लेकिन कितने बड़े गायक थे। बस वो आस का ध्यान रखते थे कि उनके गानों में आस आ रहा है।
बस इसका ध्यान आप भी रखिए और एंजॉय करिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपके दोस्तों या आपके चाहने वालों को फायदा होगा तो उन्हें भी व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से मैसेंजर एटसेट्रा से आप इसे सेंड कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदा हो। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल में आप नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे नए वीडियोस से अपडेट होते रहें और आपकी जानकारी संगीत में बढ़ती रहे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।